नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको नॉर्थ फेसिंग मोबाइल शॉप यानी मोबाइल की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, उस जानकारी में आप अपने यहाँ पर सीटिंग सेटिंग मेरे अनुसार करते हैं तो आपकी अपनी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। जिस तरीके से जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी अपनी दुकान किसी एक ब्रांड की है या चार ब्रांड की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सीटिंग और सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अपनी नॉर्थ फेसिंग दुकान है, सबसे पहले नॉर्थ फेसिंग दुकान सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुकान की सीटिंग और सेटिंग बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि आपकी अपनी दुकान रोड लेवल से तो ऊंची होगी, नीची नहीं होनी चाहिए। रोड लेवल से ऊंची होती है तो ये मान के चले पहले नंबर पे जीत आपकी उसी में हो जाती है। दूसरी बात, स्लोप आपकी अपनी दुकान का साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आना ही चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं हो। आप अपनी दुकान नई बनाने जा रहे हैं या रेनोवेशन करने जा रहे हैं तो आपको ये काम जरूर कर लेने। कौन से दो काम? एक तो स्लोप का, एक बाहर के लेवल से ऊंचाई का। अब मैं आपको मेन गेट कहाँ आपने रखना, आपकी अपनी दुकान की यदि चौड़ाई ज्यादा है तो मेन गेट को आप बीच में रखिए। यदि किसी कारण से आपकी अपनी दुकान का जो फ्रंट है वो कम है तो आपको मेन गेट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ही मेन गेट आपको बनाना है। इसी के साथ साथ जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अपनी डिस्प्ले कहाँ आनी चाहिए, साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कंप्लीट डिस्प्ले काउंटर आ जाएंगे। ऐसे ही डिस्प्ले आपकी अपनी वेस्ट वॉल पे भी कंप्लीट आ जाएगी। अब काउंट साउथ ईस्ट में भी आप अपनी डिस्प्ले बना सकते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक नहीं, ईस्ट के सेंटर तक। अब इसी के साथ साथ आपके अपने जो काउंटर बनेंगे नॉर्थ वेस्ट तक कंप्लीट आप अपने काउंटर बना लीजिए। ये आपके अपने काउंटर बन जाएंगे। इसी के साथ साथ यहां भी आपका अपना काउंटर आ जाएगा, ये आपके अपनी डिस्प्ले आगे तक आ जाएगी। आपने अपने दुकान के अंदर पीने का पानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है। इसी के साथ साथ मंदिर भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के कॉर्नर तक यहीं लगाना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अपनी दुकान के अंदर फाउंटेन या एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो वो भी आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट के सेंटर तक इसी हिस्से में आपने एक्वेरियम भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक्वेरियम तब लगेगा जब आपका गेट मिड में आएगा, बीच में आएगा। यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है तो आपका ना तो फाउंटेन लग पाएगा ना आपका अपना एक्वेरियम लग पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो आपके अपने यहाँ पर ऑनर की जो सीटिंग आनी है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, इस हिस्से में ऑनर की सीटिंग आनी चाहिए। इसके बाद आपके अपने स्टाफ की सीटिंग आ जाएगी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, यहाँ भी ऑनर की सीटिंग आ सकती है। इसके बाद आपके अपने स्टाफ की सीटिंग आ जाती है। हर मोबाइल दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एक काउंटर भी बनाया जाता है, चाहे उसमें स्क्रीन गार्ड चेंज करना हो, चाहे बैटरी चेंज करनी हो, चाहे चार्जर्स देने हो चेक करके, तो एक रिपेयरिंग काउंटर भी बनाया जाता है। वो काउंटर आपका अपना ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में इसी जोन में आपने कहाँ पे रिपेयरिंग का काउंटर बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे हैवी स्टोरेज यानी मोबाइल जब आते हैं एक एक दो दो पीस करके नहीं आते हैं, पाँच पाँच सात सात दस दस पीस करके आते हैं, लेकिन फ्रंट में जो डिस्प्ले के लिए रखा जाता है एक एक पीस करके दो दो पीस करके रखे जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जितने भी मोबाइल आते हैं सारे के सारे अंदर बॉक्सेज में नीचे लगा दिए जाते हैं। ऊपर की ओर डिस्प्ले होती है 3 फुट से ऊपर और नीचे सारे के सारे मोबाइल लगा दिए जाते हैं। वो डिस्प्ले आप यहाँ करें और उसके नीचे स्टोरेज आ जाए,
ऐसे ही जो ऊपर की ओर डिस्प्ले कर दें और नीचे हमारी अपनी स्टोरेज आ जाएगी। इसी के साथ साथ जो हमारी अपनी डमी आती है मोबाइल की, वो भी आपकी अपनी काउंटर के अंदर फ्रंट में डिस्प्ले के रूप में आ जाती है नीचे, और हैवी स्टोरेज सारी अंदर नीचे चली जाती है। इस तरीके से आप अपनी दुकान की सेटिंग और सेटिंग करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपकी अपनी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। किसी कारण से आपकी अपनी दुकान में मेन गेट नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, नॉर्थ के सेंटर में भी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट जोन में गेट आता है, तो मेरा अपना मानना ये है यदि यहाँ गेट आपका बना हुआ है और यहाँ पर गेट नहीं है तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ और औरों के लिए काम कर रहे। भले ही आपके अपने दुकान का फर्श लेवल बाहर के फर्श लेवल से ऊंचा हो, ढलान भी भले ही इधर हो, लेकिन मेन गेट यहाँ होगा तो आप कहीं ना कहीं से पैसे की अरेंजमेंट करते हैं, पैसा लेके आते हैं, चाहे वो बैंक से लेके आए, चाहे किसी रिश्तेदार से लेके आए, चाहे मार्केट से पैसा लें, या फिर कोई कंपनी वाला आता है वो आपके ऊपर पैसा लगा देता है, आप उसके पैसे वापसी नहीं कर पाते हैं। किस कारण से? सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में गेट आने के कारण। आपका अपना फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया बनता है, दोस्ती बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन वो दोस्ती जो बनती है सारी की सारी अपना बेनिफिट उठाने के लिए बनती है। आप उन लोगों की, उन दोस्तों की, सबकी हेल्प करते रहते हैं। हेल्प करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद लॉस होता रहे वो सबसे गलत बात है। मेरा ये मानना है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में गेट नहीं होना चाहिए। आपका गेट नॉर्थ सेंटर में आए या नॉर्थ ईस्ट में आए, और ढलान इधर होती है, बाहर के लेवल से ऊंची दुकान हो, और इस तरीके से यदि आपकी अपनी सीटिंग सेटिंग होती है तो मेरा अपना ये मानना है आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है कि आप अपनी दुकान को इस तरीके से सेटिंग करने के बाद एक साल के अंदर ही अपनी दुकान परचेज, यदि आपकी दुकान किराए की है तो आप परचेज करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी कारण से परचेज आपकी अपनी दुकान है तो आप दूसरी दुकान बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, किसमें? एक साल के अंदर अंदर। इसी के साथ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, आपने जो इन्वर्टर लगाना है, क्योंकि आपकी वर्किंग जो है मोबाइल की है, लाइट जरूर चाहिए। शाम के समय में कई बार लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर आपने कहाँ रखना है? साउथ ईस्ट जोन में। इन्वर्टर भी आपने साउथ ईस्ट जोन में रखना है। इसी के साथ एक चीज और, जो आपने अपना गल्ला बनाना है, तिजोरी जो बनानी है, यदि आप साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बैठते हैं, एक गल्ला तो आपका अपना आपके राइट हैंड पे यहाँ ड्रॉर बनेगी ही, जो कि साउथ की ओर ओपन हो रही है, लेकिन मेन ड्रॉर आपकी अपनी साउथ वॉल पर बनेगी, नॉर्थ की ओर ओपन होती है। जब भी पेमेंट अमाउंट बड़ी आती है, बड़ी आने का मतलब एक पैकेट के रूप में आती है, वो पेमेंट आप यहाँ से हटा के इधर साउथ की, साउथ वॉल के साथ जो ड्रॉर आपने बनाया, जो गल्ला बनाया, उसमें ट्रांसफर कर दें। और इसी के साथ ऐसे ही आपको, यदि आप वेस्ट में बैठे हैं, आपके राइट हैंड पे एक ड्रॉर तो आपने बनानी है जो वेस्ट की ओर ओपन होगी, जो रूटीन में यूज़ होगी। ये जो साउथ की ओर ओपन हो रही है ये भी रूटीन में यूज होने वाली है, जो वेस्ट की ओर ओपन हो रही है वो भी रूटीन में यूज होगी, लेकिन ऐसे ही आपने वेस्ट वॉल पर भी एक ड्रॉर बनानी है जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी। आप इस तरीके से मेन गल्ला ये भी बनाएंगे आप, और मेन गल्ला एक ये भी बनाएंगे। इस तरीके से आप अपनी दुकान की सीटिंग और सेटिंग करते हैं तो मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आपकी अपनी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। अगले प्रोग्राम में एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।